रघुवंश प्रसाद सिंह जी को पद से कौन हटाया था अपने बनने के लिए, अपने कुर्सी पर बैठने के लिए? नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। राजद में क्या कुछ चल रहा है ये बात अब आपको अक्षरशः पता है। भारत लाइव की टीम ने विस्तार पूर्वक एक एक बात जो है आप तक पहुंचाई है। अब आपको बता दें इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ था। ये भी आपको पता था कि जगदानंद सिंह जी जो पार्टी के राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार नाराज चल रहे थे, लौटते हैं। लौटने के साथ ही जो राजद के छात्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छात्र के हम बात कर रहे हैं आपको आकाश यादव जी का, जो पहले थे जगदानंद सिंह जी, उनका इस्तीफा ले लेते हैं। इसके बाद किसी अन्य को, गगन यादव जी को जो है राजद के छात्र का जो है प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंप देते हैं, जिसके बाद से तेज प्रताप यादव जी आग बबूला हो जाते हैं। ट्विटर पर क्या कुछ लिखते हैं ये भी आपको पता था। ट्विटर पर सीधे तौर पर जो राजद परिवार के भीतर की जो गहमा गहमी थी वो खुल करके सामने आ जाती है। ट्विटर पर तेज प्रताप यादव जी दावा करते हैं कि जो है यह आज जो कुछ हुआ वो संविधान के अनुसार नहीं था, पार्टी के संविधान के अनुसार नहीं था। ये तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन अब तेज प्रताप यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कहते तेज प्रताप यादव जी ने रघुवंश बाबू की बात जो है उसे भी दोहरा दिया। चलिए क्या कुछ मामला है आपको बताते हैं। दरअसल हमने देखा था कि राजद के जो कदावर नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीति कर चुके थे वरिष्ठ नेता रघुवंश बाबू, किस तरह अपने अंतिम समय में राजद से इस्तीफा दे दिया था। इस पर टिप्पणी करते हुए ये बातें जो है पहले चल रही थी सियासी गलियारों में कि तेज प्रताप यादव जी ने जो एक लोटा पानी वाला बयान दिया था इसके बाद से वे नाराज चल रहे थे। हालांकि तेज प्रताप यादव जी ने आज कहा कि रघुवंश बाबू को अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठने के लिए किसने हटाया वो ये सबको पता है, यानी कि उनका सीधा इशारा जगदानंद सिंह पर था। उन्होंने जगदानंद सिंह पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि रघुवंश बाबू को प्रदेश अध्यक्ष के पद से जगदानंद सिंह जी ने अपने आप को कुर्सी पर बिठाने के लिए हटाया, यानी कि जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे और इसी के तहत एक प्लानिंग के तहत येन केन प्रकारेन उन्होंने रघुवंश बाबू को प्रदेश अध्यक्ष के पद से और इस पद से जो है हटाने का काम किया था। ये बात लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र, जो कि आपको बता दें कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं तेज प्रताप यादव जी, उन्होंने दावा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं रघुवंश बाबू वाले प्रकरण पर तेज प्रताप यादव जी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। रघुवंश प्रसाद सिंह जी को पद से कौन हटाया था अपने बनने के लिए, अपने कुर्सी पर बैठने के लिए? ये सवाल कीजिए उनसे आप। तो कौन हटाए थे अपने कुर्सी हटियाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी पर? कुर्सी से इतना मोह हो गया है, तानाशाह हो गए हैं। छात्रों का अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।